हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है चिकन। उसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच मिर्ची का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया था, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसे मैरिनेट होने देंगे 1/2 घंटे तक। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और मैरिनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और उसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता और 3 सूखे हुए लाल मिर्च। इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे और फिर उसमें डालेंगे प्याज जिसे मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया था। अब इन प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। दस मिनट बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 2 टमाटर की प्यूरी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। दस मिनट बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक कर पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 10 से 15 मिनट बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, चिकन जालबुना रेडी हो गया।